तो गाइस यार आज यार लॉस सेंटोस का मौसम हो रखा है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। आप देख सकते हो कितनी मस्त बारिश हो रही है और अभी हम जाके देखने वाले हैं अपनी टीवी, देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सेंटोस में, कहां कहां पर लॉस सेंटोस में पानी भरा है। चलो फटाफट से पता करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सेंटोस के नए चैलेंज में आप जीत सकते हैं ये खतरनाक सा मंदिर। ये मंदिर बहुत ही मैजिकल है। इस मंदिर में अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए उस चीज को 10 बार बोलो वो चीज तुम्हें मिल जाएगी, चाहे वो प्लेन, चाहे वो गाड़ियां, हेलीकॉप्टर, यॉट, घर, कुछ भी हो वो सब मिल सकता है। अगर चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है तो हाँ बोलिए। ये चैलेंज तो बहुत खतरनाक लग रहा है, अगर मैं ये चैलेंज जीत गया तो मुझे मंदिर मिल जाएगा और उस मंदिर में मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो मुझे मिल सकता है। हाँ हाँ, मुझे इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, जल्दी जाके बैठ जाइए, चैलेंज बस शुरू होने वाला है। अबे ये कौन सा चैलेंज हो रहा है लॉस सेंटोस में, और मैंने उस चैलेंज के लिए हाँ भी बोल दिया है और उन्होंने बोला मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। चलो देखते हैं इतनी जल्दी तो कैसे आएगी, मैंने जस्ट अभी अभी हाँ बोला और घर के बाहर गाड़ी, यहाँ पर तो सही में गाड़ी आ चुकी है और ये देख लिमोजीन है। तो काइजर मुझे तो ये एक भगवान का इशारा लग रहा है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बारिश हो रही थी, अब यहाँ पे सूरज निकल चुका है और अब ये गाड़ी भी इतनी जल्दी आ चुकी है। और आज मैंने सोचा था कि मैं बहुत देर तक सोऊंगा पर मैं फिर भी जल्दी उठ गया, इसलिए मैं वो न्यूज देख पाया। तो मैं तो जाने वाला हूँ उस चैलेंज को करने के लिए, फटाफट से अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, चलो अंकल ले चलो मुझे। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं उस खतरनाक से चैलेंज के लिए जिसमें हम जीत सकते हैं वो मैजिकल मंदिर। सोचो अगर वो मैजिकल मंदिर जीत गया तो मैं क्या क्या मंगा सकता हूँ। अगर मैं उस मंदिर में जाके बोलूंगा 10 बार कि मुझे गोल्डन लैम्बोर्गिनी चाहिए तो मुझे गोल्डन लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी। गोल्डन लैम्बोर्गिनी क्या, मैं तो सोच रहा हूँ एक दुनिया का सबसे महंगा मैंशन मांग लूं। नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं लॉस सेंटोस को प्रेसिडेंट बन जाऊं। मैं तो यार बहुत ही ज्यादा चीजें सोच रहा हूँ, अगर मैं वो मंदिर जीत जाऊँ तो मैं ये सब की सब चीजें कम्प्लीट कर पाऊंगा। चलो इस चैलेंज में चलते हैं। तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। तुम सभी जनों का कंपटीशन होने वाला है उस मंदिर को जीतने के लिए, और उसके लिए तुम्हें पास करने पड़ेंगे 2 चैलेंज। तो सबके सब तैयार हो जाओ क्योंकि भाई ये सबसे पहले चैलेंज की, तुम्हें अपनी गाड़ियों को लेके जाके इस पूरे रोड पे बैलेंस कराते कराते जाना है, और जो भी टॉप तक पहुंचेगा वो क्वालिफाई होने वाला है अगले राउंड के लिए, और जो भी डिस्क्वालीफाई होगा वो जाएगा अपने घर पर। चलो फिर शुरू करते हैं। अरे काइजर मुझे नहीं पता था ये पूरा का पूरा चैलेंज एक कंप्यूटर करा रहा है। आप देख सकते हो कंप्यूटर करा रहा है ये पूरा का पूरा चैलेंज। अबे मेरे को छू मत, निकल यहां से। अरे हाँ चिल्ला कर रहे हो, चलो शुरू करते हैं सबसे पहला कंटेस्टेंट। ओए मैं तो ये चैलेंज जीतने वाला हूँ, मैं पिछले जन्म में एक सुपर कार राइडर था, अब देखो कैसे मैं ये चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। तो सर अभी सबसे पहला चैलेंजर हमारे यहाँ पे जा चुका है कंटेस्टेंट इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। ये सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है, शुरू में थोड़ा इजी है फिर धीरे धीरे ये हार्ड होता रहता है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एक बार भी गाड़ी इधर उधर फिसली तो गाड़ी जाएगी सीधा पानी में। इस जने की फिसली थी पर इसने अभी हमें बैलेंस कर ली अपनी गाड़ी को। बैलेंस करना तो बहुत इजी है क्योंकि मैं पिछले जन्म में एक राइडर था, राइडर। तो गाइज़र इस चैलेंज में यार बहुत सारे लोग तो आए और साथ में आयरन मैन भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा आयरन मैन को किस चीज की जरूरत है, उसके पास तो इतना सारा पैसा है फिर भी वो यहाँ पे उठ के आ गए। मुझे लगता है ये गिरने वाला है क्योंकि इधर की रोड बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे नहीं गिरने वाला क्योंकि तुमको तो पता ही है पिछले जन्म में मैं तू राइडर था हमें पता है, और ये क्या हो गया इसकी गाड़ी जाने वाली है सीधा नीचे और ये होता है डिस्क्वालीफाई। तो हमारा पिछला जन्म का राइडर तो चला गया और अभी भारी है अंकल की, और ये अंकल मर्सिडीज लाए। मुझे लगता है मर्सिडीज इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो कितनी मस्त यार कार है, उसमें बैलेंस भी बहुत अच्छा है, वो सुपर कार भी है। मुझे लगता है ये आराम से ऊपर तक पहुंच जाएगा। अरे ये क्या, ये तो सीधा नीचे चला गया और हमारा मर्सिडीज वाले अंकल भी होते हैं डिस्क्वालीफाई। ओए अब मेरी बारी आ गई, अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं कंप्लीट इस चैलेंज को। तो गाइस अभी ये बालों वाले आदमी की यहाँ पे बारी आ चुकी है और इसकी गाड़ी मुझे लगा सीधा नीचे जाएगा, इधर शुरू होते ही खत्म हो जाता पर इसने अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लिया, देखते हैं ये कहां तक जाने वाला है। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं यानी फ्रैंक ये चैलेंज जीत जाऊं तो फटाफट से कमेंट कर दो गुड लक फ्रैंकलिन, क्योंकि गुड लक की बहुत ही जरूरत है। ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोड है और मुझे तो इतनी अच्छी गाड़ी भी चलाना नहीं आती यार, मैं तो ऐसे भेड़ता रहता हूं नॉर्मल रोड पे भी, और ये रोड तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फटाफट से लिख देना गुड लक फ्रैंकलिन, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट
से लाइक कर दो, क्योंकि हमें कैसे भी करके वो मंदिर जीतना है। जितना ज्यादा वीडियो लाइक करोगे उतने ज्यादा चांसेस हमारे होने वाले मंदिर जीतने के। फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और अभी आप देख सकते बहुत ही अच्छी तरह जा रहा है, बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गई है फिनिशिंग लाइन। देखते हैं क्या ये कंप्लीट कर पाएगा। और ओ ब्रू देखना, मैं चैलेंज में ही जीतूंगा। तो गाइस अभी ये रोड बिल्कुल पूरा स्ट्रेट हो चुका है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री पे इसका रोड हो चुका है। और गाड़ी भी देखो ऊपर नहीं जा रही है, और इसकी गाड़ी तो पीछे की तरफ जा रही है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। ओए मैं तो बच गया। और गाइस ये क्या, इसकी गाड़ी तो यहाँ पर बच चुकी है। ओए अब तो मैं ही जीतूंगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर चला चला के अपनी गाड़ी को लेके आ चुका है, और सामने फिनिशिंग लाइन भी आ चुकी है, और अपनी गाड़ी को कुदा लिया, और ये तो खुद ही कूद गया। और ये क्या, सीधा फिनिशिंग लाइन पर इसने लैंड कर लिया। ओए मैं तो जीत गया, मैंने बोला था ना मैं ही जीतूंगा, मैं जीत गया। तो गाइस मुझे लगा नहीं था ये खतरनाक सा ऊपर तक पहुंच पाएगा, ये नीचे गिरा, पर इसने हार नहीं मानी और ये फिर से जीत गया। हार तो मैं भी नहीं मानूंगा, इसका मतलब मैं भी जीत जाऊंगा। चलो फटाफट से चलते हैं। तो गाइस अभी एक और अंकल की बारी आ चुकी है। उस वाले ने सही में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह करा था, रोड बिल्कुल 90 डिग्री पे चालू हो चुके थे और उसने बिल्कुल अच्छी तरह कर लिया है। अरे ये कहाँ जा रहा है, इसकी गाड़ी तो देखो कितना लंबा जंप ले लिया इसकी गाड़ी ने, और ये तो सीधा उस फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये डायरेक्ट फिनिशिंग लाइन पहुंच जाएगा क्या? फिनिशिंग लाइन आ गया मैं, ये मैं भी जीत गया। और काइजर इसने भी पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट कर लिया। इसकी गाड़ी हवा में उड़ गई, पर कोई बात नहीं, इसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस कर ली है। अरे ये लोग तो मामूली है, मेरी गाड़ी देखो कितनी आसानी से मैं इस चैलेंज को कंप्लीट करूंगा। तो काइजर अभी बारी आ चुकी है आयरन मैन की, और ये कुछ अजीब सी गाड़ी लेके आए, तो नॉर्मल गाड़ी भी नहीं लग रही, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा इसको सपोर्ट करते हैं चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए। तो काइजर फटाफट से देखते हैं, अभी आप देख सकते इसकी गाड़ी यहाँ पर जा रही है, और अभी हमारा आयरन मैन फुल स्पीड में जा रहा है। देखते कहां तक ये पहुंचने वाला है, क्या ये रेस कंप्लीट कर पाएगा, फटाफट से कमेंट करके बता दो। मुझे बचाओ। और कैसर अभी आप देख सकते हो हमारा आयरन मैन भी यहाँ पर अटक चुका है, ये रोड बिल्कुल सीधा हो चुका, मतलब कौन ही जा पाएगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं जाके रहूंगा, मैं ये जीत के रहूंगा, मुझे कैसे भी करके इसको जीतना है, मुझे बचाओ। और कैसर जहाँ पर वो पहला इंसान अटका था, ये आयरन मैन भी यहीं पर आ चुका है, और फिनिशिंग लाइन इसके जस्ट ऊपर है, पर क्या इस ये गाड़ी पे उधर तक पहुंच सकता है? मैं पहुंच के रहूंगा, मैं आयरन मैन हूँ, चलो। और काइजर हमारे आयरन मैन भी कूद चुका है यहाँ से, और ये क्या पहुंच पाएगा? मैं पहुंच जाऊंगा बचाओ मुझे। और काइजर आयरन मैन ने यहाँ पर पैराशूट खोल लिया, और ये भी पहुंच चुका है फिनिशिंग लाइन पर। मैं जीत गया। मेरे पास तो ये स्पाइडरमैन वाली गाड़ी है, ये गाड़ी इतनी ज्यादा अच्छी है, ये स्पाइडरमैन की तरह सारे रोडों पर चिपक जाएगी, और फिर मैं आराम से इस चैलेंज को कंप्लीट कर लूंगी, तुम देख लेना मैं कैसे इस चैलेंज में जीतती हूँ। तो गाइजर इस लड़की के पास तो सही में स्पाइडरमैन की कार है, और ये बोल रही है कार यार रोड पर चिपक जाती है, तो देखते हैं इसकी कैसी चिपकने वाली है। मुझे लगता है ये जीत सकती है। और ये क्या, ये तो नीचे गिर गई। अरे मुझे बचाओ। अरे इस लड़की के पास तो स्पाइडरमैन की कार थी, और उसको लेके नीचे गिर गई, और अभी मेरी यहाँ पर बारी आ चुकी है। तो कहा सर तीन जनों ने इसको क्वालिफाई करना है, अब बारी है मेरी इसको क्वालिफाई करने की। चलो फटाफट से चलते हैं फुल स्पीड में, और यहाँ पे आराम से लैंड करेंगे। और कहा सर हमें जाना है उधर ऊपर तक फिनिशिंग लाइन तक, तो वहां पे जाके रहेंगे कैसे भी करके। चलो फुल स्पीड अपनी गाड़ी को भगाते। तो कहा सर अभी तक आपने कमेंट में गुड लक मुझे नहीं लिखा, तो फटाफट से देना, क्योंकि सही में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अगर वो मंदिर मुझे जीतना है, और मुझे जिंदगी में जो जो चाहिए वो सब चाहिए, तो मुझे कैसे भी करके ये वाला चैलेंज तो जीतना ही पड़ेगा, इसके बाद वाला चैलेंज भी जीतना पड़ेगा। फटाफट से गुड लक लिख देना। चलो चलो फटाफट से चलते हैं, आराम से चलाते वरना नीचे गिर जाऊंगा मैं। ये फरारी यार बहुत ही ज्यादा अभी तो बढ़िया चल रही है, पर जब वो स्ट्रेट रोड आने लग जाएंगे ना, तब बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। पर आप टेंशन मत लो, कैसे भी करके हम तो जीत के ही रहेंगे। चलो 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 फटाफट से
से चलते हैं। आराम से जाना है, कहीं नहीं गिरना है। अभी भी बहुत ही ज्यादा ऊपर बचा है और ये रोड धीरे धीरे टेढ़े होने लग गए। आप देख सकते हो, मैं बिल्कुल एक पहाड़ पे ऐसा लग रहा है गाड़ी चला रहा हूँ, और आगे जाके तो ऐसा बिल्कुल एक खंबे पे गाड़ी चला रहा हूँ ऐसा लगने वाला, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होने वाला है। हमारी गाड़ी ऊपर जाने में भी बहुत ही दिक्कत होगी। तो गाइस सर, अभी हमने आधा कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया है, बस आधा अभी पूरा का पूरा रैंप बाकी, और हमारी गाड़ी की हालत खराब चालू हो चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हो रोड बिल्कुल सीधा होना यहाँ पे चालू हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं, अपन कैसे भी करके इसको जीत के रहेंगे। चलो 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 चलो, आराम आराम से, आराम आराम। तो गाइस सर, अभी आप देख सकते हो हमारी गाड़ी बिल्कुल ढंग से बैलेंस होते होते जा रही है, बस हम थोड़ी देर में ऊपर पहुंचने वाले हैं, और सामने मुझे फिनिशिंग लाइन दिखने लग गई। चलो 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 चलो, मेरी गाड़ी चल जा चल जा चल जा चल जा। और गाइस सर, हमने इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया। दो जनों ने ये चीटिंग करके यहाँ से आए थे, और एक तो पूरा उड़ के आ गया था, पर मैंने इस पूरे के पूरे चैलेंज को ढंग से कंप्लीट किया था। और ये क्या हो गया, मेरी जगह चला गया। तो गाइस सर, मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ अपने अगले चैलेंज के लिए, और ये आखिरी चैलेंज है। इस चैलेंज को अगर हमने जीत लिया तो हम जीत सकते हैं वो खतरनाक सा मंदिर, मैजिक मंदिर। आ रहे हम। तुम सबका स्वागत है आखिरी चैलेंज में। इस चैलेंज में तुम चारों में से जो भी जीतेगा उसको वो मंदिर मिलने वाला है। तो इस चैलेंज में तुमको अपनी गाड़ियों को भगाते भगाते जाना है इन बर्फीले रोडों पर। पिछली बार तुम्हें ऊपर जाना था, इस बार तुम्हें नीचे जाना है। जो भी इन सारी बर्फीले रोडों को पार करके इधर आएगा वो ये चैलेंज जीतने वाला है। और याद रखना, ये बर्फीली रोडे बहुत ही स्लिपरी है। चलो चैलेंज शुरू करते हैं। तो गाइस सर, अभी हम अपने आखिरी चैलेंज में आ चुके हैं, बस मुझे इस चैलेंज को जीतना है और वो मंदिर मेरा होने वाला है। मैजिक मंदिर, मैं आ रहा हूँ। अरे तो क्या हम यहाँ पे घूमने हैं? ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ, उसके बाद वो मंदिर भी मैं ही जीतूंगा। चलो फटाफट से चलते हैं। और गाइस सर, सबसे पहला कंटेस्टेंट जा चुका है, और ये तो डिस्क्वालीफाई भी हो चुका है। ये तो बहुत ही खतरनाक है। अबे ये तो चालू होते ही खत्म हो गया, ये बर्फ तो बहुत ही स्लिपरी है। ओए स्लिपरी है तो क्या हो गया, अभी देखो मैं चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाता हूँ, वो मंदिर तो मेरा ही होके रहेगा। हट जाओ सबके सब। तो गाइस सर, अभी ये दूसरा कंटेस्टेंट भी जा चुका है, इसकी गाड़ी गोल गोल ऊपर नीचे होती जा रही है। अरे कहाँ जा रहा है, और ये पंखे ने मारी लात और ये सीधा गया नीचे। ओए ये क्या हो गया, अरे ये चैलेंज तो सही में बहुत हार्ड है। अरे ओ काले लड़के फ्रैंकलिन, अपने घर जाओ, ये चैलेंज तुम्हारे लिए हार्ड होगा, मेरे लिए नहीं। अभी देखो कितनी आसानी से इस चैलेंज को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद वो मंदिर मैं जीतूंगा, फिर उस मंदिर में जाके मैं बोलूंगा मुझे चाहिए 10-10 आयरन मैन के सूट, उसके बाद चाहिए मुझे 10-10 गर्लफ्रेंड, उसके बाद मुझे चाहिए 10-10 पत्नियां। अबे ये आयरन मैन को क्या क्या चाहिए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो, आयरन मैन अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जा रहा है, और ये सबसे ज्यादा आगे निकल चुका है। दो पंखों को इसने क्रॉस कर लिया है, और इसकी गाड़ी अभी बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है। सबके सवार जाओ, मैं जीतने वाला हूँ इस चैलेंज को। और गाइस ये आयरन मैन तो सही में बहुत ही ज्यादा स्पीड में जा रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो जीत जाएगा आयरन मैन। आयरन मैन मैं तो जीतने वाला हूँ, ये मुझे बचाओ, कुछ बचाओ, कुछ बचाओ। ये क्या हो गया बच्चे, आयरन मैन भी डिस्क्वालीफाई हो चुका है, पर वो बहुत ही ज्यादा क्लोज था। अगर तुम उसको क्रॉस करते हो तो तुम ये चैलेंज जीत सकते हो, वरना आयरन मैन को वो मैजिक मंदिर मिलने वाला है। अरे आप टेंशन मत लो, ये चैलेंज तो मैं ही जीतूंगा। चलो गाइस फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं और इस चैलेंज को करते फटाफट से। तो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ये चैलेंज जीतने वाला हूँ। अरे ये तो बहुत ही हार्ड लग रहा है मुझे, मैं नहीं जीत सकता, ये तो बहुत खतरनाक चैलेंज है। आराम से बिल्कुल ढंग से हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, पर कैसे कंट्रोल करूं, स्टीयरिंग व्हील से तो कंट्रोल कर नहीं सकता। अरे कहां जा रही है मेरी गाड़ी, ये बर्फ वाला रोड तो सही है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, गाड़ी कितनी ज्यादा स्लिप हो रही है। पर आप टेंशन मत लो, हम उधर तक पहुंच के रहेंगे, क्योंकि आप सबने वीडियो को लाइक किया है। क्या अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया? अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो मैं हार सकता हूं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो वरना मैं हार जाऊंगा। और मेरी गाड़ी यहां पर रुक चुकी है, चलो
फटाफट से बैलेंस कर लेते हैं जब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और वापस से निकल चलते हैं उस खतरनाक से चैलेंज की तरफ। चलो चलो आराम से। और गाइस आप देख सकते हो सामने वो पिंक बोर्ड बहुत ही ज्यादा पास है और हम पहुंचने वाले हैं और ये मैं पहुंच गया। और गाइस आप देख सकते हो मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया है और मैं आ चुका हूँ फिनिशिंग लाइन पे। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुमने दोनों चैलेंजेस को कंप्लीट किया, इसका मतलब वो खतरनाक सा मैजिक मंदिर तुम जीतते हो। मैं तुमको बताता हूँ उस मैजिक मंदिर को कैसे यूज करते हैं। तुम्हें मंदिर के अंदर जाना है और उसके सेंटर में जाके जो भी तुम्हें चाहिए उसको 10 बार बोलना है और वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे हाँ हाँ मैं समझ गया, चलो फटाफट से मंदिर पे चलते हैं, मजा आने वाला है। तो गाइस फाइनली हम दोनों चैलेंजेस जीत चुके हैं और अभी हम जाने वाले सीधा मंदिर पर अपनी इच्छाएं पूरी करा दे। चलो तो गाइस फाइनली हम उस मंदिर पर आ चुके हैं। यही वो जादुई मैजिक मंदिर है जो की हमारी लाइफ आज चेंज करने वाला है। दोनों चैलेंजेस मैंने जीत लिए और मैं जाने वाला हूँ सीधा इस मंदिर के अंदर, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला। चलो फटाफट से अंदर चलते हैं। और गाइस आप देख सकते कितना ज्यादा मस्त बना हुआ है, ये सारी की सारी चीजें गोल्ड की है भाई। उन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है ये। तो गाइस मंदिर में हम आ गए, हमें बस यहाँ पे खड़े होना है और उसने बोला था जो भी चाहिए उसको 10 बार बोलो। तो सबसे पहले तो मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे सूट 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 और सूट। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर मैं पूरा का पूरा तैयार हो चुका हूँ सूट में। सूट तो हमने ले लिया, अब सबसे मेन चीज जो कि मैंने बिल्कुल ढंग से सोची थी नहीं, वो ना कोई गाड़ी है, ना कोई कार, ना कोई प्लेन, ना कोई घर, वो है सबसे खतरनाक चीज। अभी करते हैं, मुझे चाहिए ऐसी पावर जो मैं किसी भी चीज को टच करूँ तो वो रूबी बन जाए। रूबी 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 और रूबी। तो गाइस मैंने पहले ही सोच लिया था जैसे मैं मंदिर जीतूंगा मैं बोलने वाला हूँ मुझे चाहिए ऐसी पावर मैं किसी भी चीज को टच करूँ वो बन जाए रूबी। गोल्ड और डायमंड तो बहुत देख लिया, अब हम रूबी देखेंगे। चलो गाइस फटाफट से बाहर चलते हैं, फटाफट से किसी चीज को टच करते हैं ताकि हम उसको रूबी में कन्वर्ट कर सके। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं नीचे किसी गाड़ी को ढूंढ के रूबी में कन्वर्ट करके देखते हैं। और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं नीचे। तो गाइस फटाफट से कार ढूंढते, सामने गाड़ी खड़ी है और यहाँ पर भी खड़ी है। चलो गाइस फटाफट से इस गाड़ी को टच करके देखते हैं क्या ये पावर हमारी काम करने वाली है। 3 2 1 और गाइस आप देख सकते हो हमारी गाड़ी का कलर चेंज हो चुका है बिल्कुल रूबी में। रूबी ऐसी दिखती है, कितनी ज्यादा तेज चमक रही है। चलो फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हैं यहाँ से, और ये तो बहुत ही खतरनाक है। और गाइस आपको बता दूं कि गोल्ड और डायमंड से भी ये रूबी महंगी बिकती है। देखो अभी ये पूरी की पूरी ब्लैक है, अब ये यहाँ पर रेड हो गई, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अभी तो सिर्फ हमने एक कार को रूबी में कन्वर्ट किया है, अभी मैं बहुत सारी चीजें करने वाला हूँ, उससे पहले मुझे वो सारी चीजें खरीदनी पड़ेगी। चलो फटाफट उनको खरीदते हैं फिर उनको चेंज करेंगे रूबी में। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं सारे के सारे कलेक्शन पे। मैंने यहाँ पर खरीद लिए 2 बाइक्स, एक ये खतरनाक सी क्या है पता नहीं कुछ तो है, और ये खतरनाक सी एक और कार, 2 लैम्बोर्गिनी, एक खतरनाक सा प्लेन, 2 हेलीकॉप्टर, और इन सबको मैं टच करके बनाने वाला हूँ रूबी का। और मुझे पता चला है एक आधा किलो रूबी की प्राइस है $1 मिलियन, और मैं इस बाइक को टच करके 10,000 की बाइक को कन्वर्ट करने वाला हूँ 10 मिलियन की बाइक में। चलो फटाफट से इसको टच करते हैं, 1 और ये 2। और गाइस आप देख सकते हैं दोनों की दोनों बाइक कन्वर्ट हो चुकी है रूबी में, और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये दोनों बाइक हो चुकी है 10 और 10 $20 मिलियन की, और ऐसे इन सारी कार प्लेन और हेलीकॉप्टर की प्राइस अभी हम बढ़ाने वाले हैं। फटाफट से इनको टच करते हैं 1 2 3 4, और फटाफट से इस प्लेन को भी टच करते हैं 5, और ये दोनों हेलीकॉप्टर को भी 6 और ये 7। और गाइस आप देख सकते हो ये सब के सब कलर यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, ये दोनों हेलीकॉप्टर के चेंज हो गए और हमारा प्लेन भी पूरा लाल लाल एकदम चमचमाने लग गया। दोनों लैम्बोर्गिनी लाल हो चुकी है, इसके टायर लाल नहीं हुए पर कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। और ये हमारी खतरनाक सी ये जो भी कार है वो भी लाल हो चुकी है, और हमारी बाइक्स तो लाल हो ही चुकी है। तो गाइस हमारी सारी की सारी चीजें मैंने रूबी में कन्वर्ट कर दी है, और इन सबको बेचने के बाद मुझे लगता है मैं आराम से बिलियनर तो बन ही जाऊंगा, और वो शक्तियां अभी भी मेरे पास है अभी गई नहीं है। इसका मतलब शक्तियों का यूज हम जिंदगी भर करते रहेंगे और इस प्लेनों को उड़ा के रहेंगे, और वो हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर दिया मैंने पर कोई बात नहीं, मैं
सोच रहा हूँ लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग को टच करने की, फिर वो बिल्डिंग भी पूरी की पूरी रूबी की हो जाएगी, जो कि होगा बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो अगर आप चाहते हो मैं लॉस सैंटोस की बिल्डिंग को टच कर दूं, फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस सर आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं सर की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइस सर इंस्टा और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस सर हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।